सरकार चली देश का चहुमुखी विकास हुआ है और जहां तीन राज्यों की जीत ने सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 400 पार की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस के नेता 400 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला कर रहे हैं। अंतर इतना ही है, हम 400 सीटें जीतने की सोच रहे हैं, ये 400 करोड़ का काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता बार बार ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। आप देखिए, कांग्रेस की शुरुआत से लेके अब तक घोटाले 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 ही, कालाधन और कालाधन ही नजर आता है। तभी तो चार दिन हो गए, ना राहुल जी बोले ना सोनिया जी बोली, काले धन वाले के खिलाफ भी बोलने की बजाय चुप बैठे हैं, वोट सिले हुए हैं। इंडी गठबंधन में वो लोग हैं जो अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे झेल रहे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, तो किसी के पास के मित्रों के पास भी अरबों खरबों रुपए मिले। आपने ट्रेलर देख ही लिया है, राज्यों के चुनाव में एक गठबंधन एक तरह से इकट्ठा नहीं रह पाया और आगे भी इनका वही हाल होने वाला है।